बाबा ने कुछ कहा है ना दिल से, एंड इमीडिएटली उनके माइंड में भी शायद फीलिंग्स जागृत हैं कि क्या, तो कैसे हैंडल करनी चाहिए। देखो, जो बाबा ने जो नंदिनी से कहा है वो कुणाल उसके बारे में कुछ नहीं जानता। कुणाल को ऑलरेडी फीलिंग्स है, लेकिन वो उससे ऑलरेडी सप्रेस भी कर चुका है और बहुत हद तक उससे फाइट भी कर रहा है। ऑल्दो वो उसके सामने बार बार आती रहती है, उससे उस चीज़ से परेशानी होती है, लेकिन ही इज़ जस्ट फाइटिंग इट ऑफ एंड ही बिलीव्स कि वो मौली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे उस मैरिज को सेव करना है। सो नंदिनी के बारे में वो नहीं सोचेगा, पर जो यहाँ पर होता है उसके इस पॉइंट के बाद से नंदिनी हैज़ हर फर्स्ट पैंग ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स कुणाल, जहाँ उसे रियलाइज़ होता है कि ये जो चीज़ है फ्रेंडशिप से बढ़कर है। ये सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं करती मैं इस आदमी की, बल्कि ये आदमी से शायद मैं प्यार करने लगी हूँ। ये चीज़ नंदिनी को यहाँ पर रियलाइज़ होती है, और जब वो बाबा कहते हैं वो चीज़, तो वो चीज़ कन्फर्म हो जाती है। और फिर उसके बाद से उस की जो नज़र होती है मेरे लिए वो बदल जाती है और वो अलग नज़रिए से मुझे देखना शुरू कर देती है। ओके, तो लोग कहते हैं कि साइंस होते हैं कि ये आपके राइट पार्टनर है, क्या कुणाल बिलीव करते हैं उन साइंस में? जी, मैं बिलीव करता हूँ। ऑफ कोर्स आपको हमेशा वाइब्स जो होती हैं वो सामने वाले से मैच करनी चाहिए। अगर आप किसी इंसान के साथ और हर वक्त कुछ ना कुछ बुराई हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि आप लोग की जोड़ी नहीं जमती, कुछ ना कुछ समथिंग इज़ क्लैशिंग। सो पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के साथ जोड़ी जम रही है नहीं जम रही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कुणाल इज़ मैरिड टू मौली एंड ही लव्स मौली टू द कोर। सो आइडियली कुणाल को मौली के साथ ही रहना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट ही इज़ ट्राइंग इज़ लेवल बेस्ट कि उसके लाइफ में वो कोई भी गलत कदम ना उठाए। लास्टली, कुणाल को लगता है कि इस पॉइंट से शुरू होगा सिलसिला बदलते रिश्तों का? सिलसिला बदल रहा था जब मेरे थॉट्स बदले थे, और अब नंदिनी के ख्याल बदल रहे हैं, इसलिए सिलसिला फिर से बदल रहा है। अच्छा, ये तो हो गई ऑन स्क्रीन की बात। ऑफ स्क्रीन अगर बात करिए, सारी सीढ़ियाँ चढ़ना, रीटेक लेना, व्यू इतना ब्यूटीफुल है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मज़ा आता है ऐसी लोकेशन पे शूट करने में, क्योंकि इतनी प्यारी लोकेशन मुंबई में मिलना बहुत डिफिकल्ट है। दैट इज़ वाई आपको थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में आना पड़ता है, और साथ ही साथ इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, मेरे ख्याल से 200-250 करीबन सीढ़ियाँ होंगी, और इससे चढ़ने का अपना ही मज़ा है, और जो अगले दिन जो पैर दुखते हैं चढ़ने के बाद उसमें और भी मज़ा आता है। बट ओ माई गॉड, ज़रा कट कर दो। या सो द व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ऐसी लोकेशन पे शूट करने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बादल है, हुआ था मंदिर विश्वास है ऑन कलर्स, सॉरी ऑन सोनी। सो आई हैव डन मैनी शूट्स इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन। तभी बंदर बड़े परेशान करते हैं, पर हाँ द व्यू इज़ फैबुलस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे माउंटेन्स के ऊपर ही नो क्लाउड्स सारे बैठे हुए हैं। सो ऐसा नज़ारा देखने में बड़ा मज़ा आता है, खास करके जब बारिश का मौसम होता है। सो इट्स फन ऑल्सो एंड इट्स वर्क ऑल्सो। सो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एक साथ। थैंक यू, थैंक यू।